गोवर्धन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर एक 34 वर्षीय साधु वेशधारी का शव मिला है। मौके पर पुलिस ने मृतक की छानबीन की, जिसमें मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र कचहरी निवासी आगरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गोवर्धन कस्बे के बस स्टैंड पर रह रहे एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक व्यक्ति लगभग 4 माह से गोवर्धन में रह रहा था। मामले की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास मिले सामान की छानबीन की, तो मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार वह पश्चिमपुरी आगरा निवासी जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र कचहरी के रूप में हुई है। पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क कर दुर्घटना की जानकारी देने के प्रयास में लगी हुई है। एक साधु का शव प्राप्त हुआ है, जो 5-6 महीने पहले यहाँ पर परिक्रमा करने हेतु आया था और परिक्रमा कर रहा था। आज उसका शव मिला हुआ है। शव पर कोई ऐसी चोट या ऐसे निशान नहीं है। मृत्यु स्वाभाविक रूप से होना प्रतीत हो रहा है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शव की शिनाख्त करा ली गई है। वह आगरा के सिकंदरा के रहने वाले हैं, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो भी होगा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनकी तबीयत खराब थी काफ़ी दिनों से और ये यहाँ चाय पानी पीते थे और काफ़ी दिन से यहाँ दवाई ववाई उनके करवा रहे थे जी। हाँ तो इनका नाम वगैरह मालूम पड़ गया? नाम इनका गुप्ता जी, नाम तो खैर अभी मुझे आधार कार्ड पर पता चला है गुप्ता है। तो ओम प्रकाश गुप्ता है, नाम तो मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में जी। गुप्ता जी मतलब जितना मालूम। तो आप कितने दिन से देख रहे हो इनको? इन्हें मैं यहाँ से 4 महीने से देख रहा हूँ। 4 महीने से दुकान पे आते थे, चाय पानी पीते थे, हवाई वगैरह।